एवरी वन हेयर हेमता मैम से वंस अगेन लेक्चर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर फ्रॉम आवर बुक विस्तास एंड वी हैव कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फोर पेजेस नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर फोर्टीन तो बेटा हमने थर्टीन पेज तक जो है इसकी रीडिंग मतलब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली थी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या है नाव अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट पेज नंबर फोर्टीन से तो पेज नंबर फोर्टीन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो लास्ट पेज था पेज नंबर थर्टीन उसमें जो हमने पढ़ा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी सो so लेटेस्ट स्टार्ट तो पेज नंबर थर्टीन में मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा हैं प्रतिभा बंधमपुरम के जिन्हें टाइगर किंग बुलाया जाता है तो उनको जो है अब उन्होंने टाइगर जो है उनकी हंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी तो हंडिंग करते करते उन्होंने अपने जो प्रतिभा बंधनपुरम है वहाँ पर उन्होंने सेवेंटी जो टाइगर्स थे उनको मार दिया तो अब जब सेवेंटी टाइगर्स वहाँ से मर गए तो वहाँ पर टाइगर जो थे वो ख़त्म हो गए देन उसके बाद जो महाराजा है जो टाइगर किंग है वो अपने दीवान को बुलाते हैं उनको कहते हैं कि मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है आप एक ऐसे स्टेट मतलब देखो जहाँ पर क्या होगा जहाँ पे टाइगर्स हों बहुत सारे और वहाँ एक लड़की भी होनी चाहिए एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होनी चाहिए क्यों क्योंकि मैं उस लड़की के साथ शादी करूँगा और फिर मैं जब जाऊँगा तो मैं टाइगर को वहाँ पर मार सकूँगा मतलब तो वो टाइगर्स को मारने के लिए ही उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था तो दीवान जो है वो अरेंज करवाते हैं मतलब एक ऐसी लड़की उसको ढूंढ के देते हैं जिसके साथ वो शादी करते हैं फिर उसके बाद जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉज के घर में जाते हैं तो वहाँ पे हर बार वो चार पांच जो टाइगर्स थे उनको मार देते दे थे तो इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स जो थे उनको मार दिया अब 99 टाइगर्स टोटल उनके कंप्लीट हो चुके हुए हैं अब उनको लास्ट टाइगर जो है उसको मारना है तो उसने कहा था ना एस्ट्रोलॉजर जो था चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने कहा था कि आपको आप नाइन्टी टाइगर्स जो हैं वो ईजिली मार लोगे बट जब हंड्रेड की बारी आएगी तो उससे आपको संभल के रहना पड़ेगा तो 99 टाइगर्स जो थे वो इसने मार दिए और उसकी जो स्किन है 99 टाइगर्स की जो स्किन थी जिसको मारा था इसने वो अपने पैलेस के जो रिसेप्शन हॉल था प्रतिभावंधनपुरम में वहाँ पर उन्होंने लगाई हुई थी कि मैंने इतने टाइगर्स को मार दिया है अब बेटा हम नेक्स्ट पेज जो है वहाँ से करेंगे पेज नंबर फोर्टीन से तो कहता है कि द महाराजाज एनजाइटी रीच अ फीवर pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of a hundred. he had of this one thought during the day and the same dream at night. by this time the tiger farms had run dry even in his father in law's kingdom. it became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was then needed. if he could kill just that one single beast, the maharaja would have no fear left. गुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर अब देखिए उसने क्या कहा कहता कि अब महाराजा की जो एनजाइटी थी वो अब बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्यों क्योंकि महाराजा को टोटल कितने टाइगर्स जो थे उनको मारना था हंड्रेड अब हंड्रेड भी उन्होंने कंप्लीट करने थे बट उन्होंने नाइन्टी नाइन टाइगर्स को मार दिया लेकिन अब क्या हुआ कि जहाँ पर उन्होंने शादी की थी अपने फादर इन लॉ के किंगडम जो थी वहाँ पर भी उनको जो हंड्रेड टाइगर है वो उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पर भी टाइगर जो थे वो ख़त्म हो गए थे तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये मुश्किल हो गई थी दिन रात इनको यही ड्रीम आता रहता था कि कब मैं हंड्रेड टाइगर जो है इसको मारूँ तो कहते हैं कि इसके बाद महाराजा ने जो एक उनके जो उनको ये था कि जब मैं हंड्रेड टाइगर को मार दूंगा ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरे मन में कोई किसी भी तरह का को कोई भी डर नहीं रहेगा और मैं जो हंटिंग है जो टाइगर हंटिंग है उसको मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा ये किसने कहा था ये महाराजा ने कहा था प्रतिभावंधनपुरम में जो टाइगर किंग है देन कहते हैं कि वट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड तो कहते हैं कि जैसे मतलब अब उसको क्या, क्या रहना था कि जो लास्ट टाइगर है उसको उससे जो राजा हैं जो किंग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ठीक है उनको रहना था क्यों क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग नाइनटी नाइन टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द हंड्रेड ट्रू इनफ तो अब ये देखिए ये उसने भविष्यवाणी जो की थी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा था उसने कहा कि नाइनटी नाइन टाइगर्स को आप मार भी दोगे लेकिन आपको जो हंड्रेड टाइगर है उससे आपको भी वियर रहना होगा और ये ट्रू था सच था ये तो कहता है कि दाइगर्स वॉज अज बीस्ट आफ्टर ऑल और ये भी सच्चाई है कि जो टाइगर होता है वो क्या होता है एक जंगली बीस्ट है ये कहता वन हैड वरी ऑफ इट और हर किसी को यहाँ पे क्या रहना होगा वरी रहना पड़ेगा कहता है वट देयर वाज इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर लाइव टाइगर तो देखिए वो क्या कहते हैं अब यहाँ पे जो हमारे है सॉरी राइटर जो है उनने हाइपर बोल्ड डिवाइस का यूज़ किया है एक बड़ा जैसे बात को करते हैं ना इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बात की है कहता है लेकिन उनके लिए जो हंडर्ड टाइगर का उसको ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था कि अगर कोई कहे ना कि, कि टाइगर का दूध लाना है कहता वो इजी हो जाएगा बट हंडर्ड टाइगर जो, जो जिसको लाना था जिसको मारना था राजा ने वो उनको नहीं मिल पा रहा था इतना मुश्किल हो गया हुआ था तो यहाँ पे मतलब उन्होंने एक डिवाइस यूज करके हमें बताया है कहता है कि तब महाराजा दहाराजा वो दैप्पी न्यूज इन हिस्स बिगेन टू डिस अपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज अब देखिए कहते हैं कि महाराजा जो थे अब थोड़े निराश रहने लगे क्यों क्योंकि हंडर्ड टाइगर जो था उनको नहीं मिल रहा था कहते हैं अचानक क्या हुआ कि उनकी जो निराशा थी उनका जो एक दुख था वो क्या हो गया था हैप्पी मतलब हो गया था चेंज हो गया था हैप्पी में कैसे हुआ था किसी ने आके न्यूज़ जहाँ पे सुनाई राजा को कि आपकी स्टेट में क्या हो रहा है जो शिप हैं शिप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्पेयर होती जा रही हैं कौन सी साइड से हिल साइड विलेज से मतलब अब यहाँ पर उनको ये न्यूज़ सुनाई गई महाराजा को कि जो शीप हैं शीप यहाँ से गुम होती जा रही हैं शिप गुम क्यों होती जा रही हैं उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है जाता उनको कोई टाइगर जो है वो उनको खा रहा है तो फिर इसका मतलब वहां पे कोई टाइगर होगा तो अगर टाइगर नहीं खा रहा तो फिर उसको कोई और मारा होगा तो फिर ये मतलब उन्होंने यही सोचा कि यहाँ पे टाइगर जो है वही होगा तो वही इस शिप को जो है वो मार रहा है देन वो कहते हैं इट वॉज द फर्स्ट इट इट वॉज द फर्स्ट ए सर्टेन दैट दिस was not the work of the Khadar Mia Sahib or the Virasami neckers, both famed for their ability to swallow sheep's whole. Surely a tiger was at work the villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced the three year exemptions from all taxes for that village and set out on the hunt at once. देखिए अब महाराजा को यहाँ पे आके एक मतलब न्यूज़ बता दी गई ये कंफर्म करवा दिया गया कि जहाँ तो उस विलेज में जो शीप थी उनको कौन खाता था वहाँ पे जो मतलब एक जो राक्षस जैसे होते हैं वो उनको खाते थे उनका नाम क्या था कैदर मियाँ साहेब जाम पीरा नेकर तो कहते हैं ये उनका काम नहीं था तो महाराजा को ये न्यूज़ बता दी गई ये सुना दिया गया कि ये उनका काम नहीं था वो क्या करते थे वो शीप जो होती थी उसको पूरे का पूरा ही सालू कर जाते थे तो कहते हैं कि अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वहाँ पे क्या है वहाँ पे टाइगर जो है वो इन शीप्स को खाता है तो कहते हैं कि महाराजा को उस उन विलेजर्स ने जब आके ये न्यूज़ सुनाई तो महाराजा जो थे ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए उन्होंने खुशी में अनाउंसमेंट करवा दी कि आपका थ्री ईयर का जो टैक्स होगा उसे हम क्या कर देंगे एग्जम्पन कर देंगे माफ़ कर देंगे कहता था टाइगर वाज नॉट ईजली फाउंड इट सीम्स एज इफ़ इट हैड हिड इट्स इन आर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल कहता है महाराजा जो टाइगर है उसको ढूंढना इतना ईजिली नहीं था वो भी अपने आप को ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप को महाराजा से छुपा रहा है कहता है द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड तो कहते हैं जैसे टाइगर अपने आप को छुपा रहा था मतलब वो इतना ईजिली नहीं मिल रहा था महाराजा को तो इसी तरह से जो महाराजा थे वो भी अपनी ज़िद्द पर अड़े हुए थे उनमें भी काफी ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी उन्होंने भी फॉरेस्ट को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया उन्होंने भी ये कहा कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा मैं फॉरेस्ट से नहीं जाऊँगा कहता है एज द टेज पास द महाराजा फरी एंड द ऑब्सटेंसी माउंटेन अलार्मिंगली मैनी ऑफिसर्स लास्ट ईयर जॉब तो कहता है कि इसके बीच में महाराजा को बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा जो है वो आता गया क्योंकि जो उनको लास्ट टाइगर जो था वो नहीं मिल रहा था इस फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा था उनको इतना ज़्या ज़्यादा गुस्सा है कि उस, उनके गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ऑफिसर थे उनकी जॉब चली गई कहता है वन डे वन हिज डेज हाइट द महाराजा द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्सेस फॉर विद तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ महाराजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया उनको गुस्सा मतलब एक कहते हैं कि हाइट तक पहुंच गए पीक तक पहुंच गए लास्ट तो कहते हैं कि उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और दीवान को यह ऑर्डर दिया कि ये जो विलेज है जहाँ का मैंने टैक्स माफ़ किया था यहाँ पर डबल टैक्स जो है वो लगा दिया जाए कहते द पीपल विकम कंटेंट देन अवर स्टेट टू विल फार अप्रेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्राम योर पोस्ट सेट द किंग तो कहते हैं कि अब जो जब महाराजा ने यह कहा कि उनको डबल टैक्सीस लगा दिया जाए तो फिर दीवान ने महाराजा से कहा कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं तो अब क्या होगा वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे ठीक है दूसरे को वो दूसरी पार्टी को वो अपना लेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे तो कहते हैं कि महाराजा ने उनको कहा कि अगर ऐसी बातें की तो मैं आप ही आप मेरी जो किंगडम है उससे रिज़ाइन कर दोगे करो यहां से मतलब मतलब इतना ज्यादा उसको गुस्सा था महाराजा को तो वो दीवान को भी उन्होंने आगे से ये कहा कि ऐसी बातें मतलब अगर आप कर रहे हो तो तुम भी जो है मेरी उससे रिजाइन कर दो मेरी किंगडम से कहता था दीवान वेंट होम कन्विंक्ट डेट इफ द महाराजा डिड नाट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड भी कैटास्ट्रोफिक्स रिटर्निंग टू हिम ओनली वैन ही सा द टाइगर फ्राम द पीपल पार्क इन मद्रास एंड कैप्टिडन इन हिज हाउस तो कहते हैं कि उसके बाद जो दीवान था दीवान अपने घर पर गया वो महाराजा वो मतलब वो सोचने लगा कि अगर महाराजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला तो पता नहीं महाराजा जो है वो क्या कर देंगे इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा तो कहता है कि उसके बाद वो अपने घर पर जाता है घर पर जाके फिर वो देखता है कि उसे एक टाइगर वो लाता है कहाँ से लाता है मद्रास जो पार्क है वहाँ पे पीपल्स पार्क जो है वहाँ से एक वो टाइगर लेके आता है और उसे अपने घर में छुपा देता है ये कौन कर रहा है दीवान कर रहा है क्यों क्योंकि उनको ये है कि महाराजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया अगर उनको लास्ट टाइगर नहीं मिला तो वो पता नहीं गुस्से में क्या कर देंगे तो इसलिए वो क्या करता है एक पार्क में जाता है मद्रास पार्क में जाता है वहाँ से वो एक टाइगर जो है वो लेके आता है उस टाइगर को अपने घर पर छुपा देता है कहता एट मिड नाइट वैन द टाउन सेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एज वाइफ ड्रैग द टाइगर्स टू द कार एंड शोड इट इन टू सीट कहते हैं कि जैसे ही रात का टाइम हुआ आधी रात का टाइम हुआ लोग जो थे वो सो रहे थे तो दीवान और उसकी ओल्ड वाइफ जो थी एज वाइफ जो थी उसने क्या किया टाइगर को घसीटते हुए कार में डाला और सीट पर बिठाया कहता था दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग तो कहता है जो दीवान है उसने क्या किया कार को उस साइड ले गया जहाँ पे महाराजा जो थे वो हंटिंग कर रहे थे मतलब उसी जगह पर ले गए उसी फॉरेस्ट में ले गए जहाँ पर महाराजा हंटिंग के लिए आए हुए थे कहते हैं वैन दे रीच द द फॉरेस्ट दस्टर्स लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड द रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार तो कहते हैं कि जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचे तो अब जो दीवान है उस टाइगर को कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो कहते हैं ऐसे लग रहा था कि जो टाइगर है वो भी क्या चाह रहा है सत्याग्रह चाह रहा है कि जैसे मैं पहले हमला नहीं करूँगा मतलब एक देखो यहाँ पे क्या कहानी उन्होंने बताने की कोशिश की है क्या कभी ऐसा करता है टाइगर कि वो बाहर ना निकले खुद को वो तो आके अगर कोई दिखे तो उसके ऊपर वो झपट पड़ता है तो कहता है ऐसे लग रहा था कि जैसे वो क्या है एक सत्याग्रह पर आया हुआ है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा वो पहले हमला नहीं करेगा तो कहता है कि वो उसने का, कार से वो निकलने से मना कर रहा था कहता है वेस्ट आउट ऑफ द कार्स एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड तो कहता है कि उसके बाद उसने क्या किया दीवार ने अपनी पूरी फोर्स लगाई थी वो अच्छी तरह वो थक चुका था काफी ज्यादा थक चुका था फिर उसने पूरा अपना एफर्ट लगाया फिर इस बीस्ट को कार से बाहर निकाला उसने कहता ऑन द फॉलोइंग डे अब नेक्स्ट डे की बात है कहता था सेम ओल्ड टाइगर्स वो द महाराजा हम्बल सप्लीकेशन कहता महाराजा मास्टर वट डू यू कमांड टू मी इट वॉज विद द वंडरलेस बाउंडलेस जॉय एंड द महाराजा टुक केयरफुली एम एट द वीट द टाइगर फेल इन द क्राउंड हीप देखिए अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे की बात है द सेम ओल्डर टाइगर वही जो टाइगर जो था वो महाराजा के सामने बिल्कुल आया मतलब महाराजा की नजरों के सामने वो दिखा तो कहता है कि ऐसे लग रहा था वो इतने हम्बल से था ऐसे टाइगर जो है वो किस तरह से करता है तो कहता है इतना ज़्यादा वो हम्बल लग रहा था वो टाइगर इतना ज़्यादा हम्बल लग रहा था ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने मास्टर को कह रहा है मास्टर मतलब महाराजा को वो कह रहा है कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है इस तरह से वो टाइगर जो था वो सामने खड़ा था तो कहता है महाराजा ने जब उसको देखा तो उसने मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गए तो उन्होंने अपने जो एम था उसके ऊपर सेट किया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया टाइगर के ऊपर जो था वो निशाना जो लगाया और टाइगर जो था वो नीचे गिर पड़ा कहता है कि आई हैव किल्ड द हंड्रेड टाइगर्स माई वॉ हैज फुलफिल्ड द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन ओवरकम्स विद इलेक्शन ऑर्डरिंग द टाइगर्स टू बी ब्रॉड टू दैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन द महाराजा हेज अवे इन हिज कार तो कहते हैं कि जब महाराजा ने उसको उस टाइगर के ऊपर एम सेट किया उसको मारा ठीक है बुलेट के साथ हिट किया उसको तो कहते हैं कि जो टाइगर था वो नीचे गिर पड़ा जब जब टाइगर नीचे गिर पड़ा तो महाराजा ने कहा कि मेरी जो एक कसम थी मैंने एक जो कसम लेके रखी हुई थी कि मैं हंड्रेड टाइगर को मार दूंगा कहता है मैंने हंडर्ड टाइगर को मार दिया तो फिर महाराजा जो है वो ऑर्डर देता है अपने आगे मिनिस्टर्स को वो कहता है कि अब इस टाइगर को बहुत ही उसके साथ ग्रैंड प्रोसेशन के साथ हमारी उसमें लाया जाए हमारी किंगडम में लाया जाए तो ये कहते हुए महाराजा अपनी गाड़ी में बैठ गए आगे आगे जो है वो महाराजा चले गए महाराजा को मतलब ये लगा कि मैंने हंड्रेड टाइगर जो है इसको मार दिया है तो टाइगर अभी वहीं पर है तो खुद महाराजा चले गए हैं महाराजा को ये लगा कि मैंने मार दिया तो अब ये जो मेरे दूसरे मिनिस्टर जो हैं सिपाही जो हैं जो ये इसको ले आएंगे पीछे से क्योंकि महाराजा ने ऑर्डर किया था कहते आफ्टर द महाराजा लेफ्ट कि जैसे ही महाराजा वहाँ से गए अपनी गाड़ी कार से वहाँ से चले गए दंड टू हंटर्स वेंट टू टेक द क्लोजर लुक एट टाइगर द टाइगर लुक बैट एट दम रोलिंग इट्स आइज इन वेफलमेंट मैन रियलाइज दास्ट आर डेट दुलेट इन इट है बुलेट विजिंग जैसे ही चले गए जो हंटर्स थे दूसरे हंटर्स जो थे महाराजा के पास जब वो टाइगर को उठाने के लिए टाइगर के पास गए तो उन्होंने क्या किया टाइगर की आंखों में रेखा इतनी देर में जो टाइगर है टाइगर की भी आंखें खुल गए और वो भी वैफलमैन के साथ थोड़ा सा मतलब जैसे कंफ्यूज होता है जो टाइगर था वो जिंदा था वो मरा नहीं था मरा नहीं है वो क्या हुआ है वो शॉक्ड कैसे हुआ है? कि जैसे ही महाराजा ने अपनी जो बुलेट है उसको उस टाइगर के ऊपर हिट करने की कोशिश की तो वो जो बुलेट है वो कहीं साइड पे लग गई है उनका जो टारगेट था वो सही निशाने पर नहीं लगा महाराजा का सिर्फ बुलेट की आवाज़ से ही जो वीजिंग उसकी आवाज़ मतलब उसकी जो स्पीड थी और स्पीड की जो आवाज़ थी उससे ही जो टाइगर था वो फेंट हो गया था ठीक है बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था उस टाइगर को जो बुलेट थी जो गोली थी वो नहीं लगी थी कहता था हंडर्ड वंडर हंटर्स वंडर वट दे शुड डू दे महाराजा मस्ट नाट कम टू नो दैट मिस्ड द टारगेट इफ़ ही डिड कुड लूज देयर जॉब वन ऑफ द हंड्रेड टू एम फ्राम द डिस्टेंस ऑफ वन फूट एंड शॉर्ट द टाइगर्स दिस टाइम ही केल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क कहते हैं कि अब जो दूसरे हंटर्स थे उन्होंने कहा कि हम अब क्या करें अगर हम महाराजा को ये बताते हैं कि आपका जो टारगेट था आपने जो बुलेट का निशाना लगाया था वो मिस हो गया है तो महाराजा को गुस्सा आ जाएगा वो हमें जॉब से निकाल देंगे तो कहते हैं उन्होंने फिर डिसाइड किया एक हंटर ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं इसको खुद ही मार देते हैं इस टाइगर को खुद ही मार देते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी दूरी के दूरी से उसने क्या किया एक जो हंटर था उसने उसके ऊपर निशाना लगाया निशाना लगा के तो उस टाइगर को मार दिया तो देखिए ये जो हंड्रेड टाइगर है ये हंड्रेड टाइगर जो है ये महाराजा के हाथों नहीं मरा ठीक है इसको किसने मारा है इसको दूसरे मिनिस्टर्स जो है उन्होंने दूसरे जो हंटर्स थे उन्होंने मार दिया लेकिन ये नाइन नाइन टाइगर सिर्फ जो है वो महाराजा के हाथों ही मरे हैं तो जो हंड्रेड टाइगर है वो महाराजा के हाथों से नहीं मरा कहते हैं बाय किंग द डेड टाइगर्स वाज टेकन इन प्रोसेशंस टू द टाउन एंड वर इट वाज इरेक्टेड ओवर इट तो वे फिर कहते हैं जैसे महाराजा ने कमांड किया हुआ था जैसे उन्होंने हुक्म दिया हुआ कि जो डेड टाइगर है उसको बिल्कुल बड़े ग्रैंड प्रोसेशन के साथ यहाँ पे टाउन में लाया जाए कहते हैं वैसे ही उनको लाया गया उनको वहाँ पे दफनाया भी गया एक टॉम्प जो है वो उनके ऊपर बनाएगी उसके ऊपर बनाएगी इतना ज़्यादा मतलब वो किया उसका स्वागत किया कि हंडेड टाइगर जो है महाराजा ने मार दिया है कहते है अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन इट्स अंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग ही हैड हैड ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस वाउ द किंग टर्निज अटेंशन टू द चाइल्ड तो कहता है कि अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि महाराजा जो है अब उनका बेटा भी हो चुका हुआ तो उनका जो बेटे का थर्ड बर्थडे था तो कहता है उसको अब सेलिब्रेट करना था महाराजा ने कहते महाराजा इतनी देर से उस अपने किसी भी काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे क्यों क्योंकि उनके माइंड में क्या चीज चल रही थी कि मैंने जो टाइगर है पहले इनको मारना है देन उसके बाद में दूसरा कोई काम करूंगा तो कहते हैं कि अब उन्होंने क्या किया वट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड लेकिन अब जो किंग है उसकी पूरी अटेंशन किसकी तरफ है अपने बेटे की तरफ है कहता है ही विश टू हिम गिव सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे तो महाराजा जो है वो अब अपने बेटे को उनके थर्ड बर्थडे एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो देना चाहते हैं कहते ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर्स इन द प्रतिभा पुरम्स एंड सर्च एवरी शॉप कहता है उसके बाद वो शॉपिंग सेंटर गए अपने प्रतिभा मंधमपुरम में वहाँ पे हर एक शॉप को उन्होंने सर्च किया बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल लेकिन उनको कोई भी चीज जो थी वो सूटेबल नहीं मिली फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर्स इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट तो कहते फाइनली उनको एक वुडन टाइगर जो था वो उनको टॉय शॉप से मिला फिर उन्होंने डिसाइड किया ये सबसे अच्छा क्या होगा गिफ्ट होगा मेरे बेटे के लिए

उसके अकॉर्डिंग है टू आना जो पुराने जमाने के पैसे होते थे टू आना एंड अ क्वार्टर उसका प्राइस था उस वूड टाइगर का कहता है लेकिन जो शॉपकीपर था न्यू दैट इफ़ ही कोटा सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द एमरजेंसी तो कहते हैं कि उसने सोचा कि अगर मैं महाराजा को कम मतलब बताऊँगी इसकी कीमत तो महाराजा जो एक एमरजेंसी का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं कहता सो ही डिसाइडेड ही सेड योर आर दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल्स ऑफ द क्राफ्ट मैनशिप ऑफ वार्गेंस एट द थ्री हंड्रेड रुपीज़ इसलिए उसने महाराजा से क्या कहा कि ये उसकी एक रेयर एग्जाम्पल है जो बनाने वाले होते हैं लकड़ी से बोर्डन से बनाने वाले होते हैं ये एक अलग तरह की उसने एग्जाम्पल बनाई हुई है इसलिए इसकी कीमत कितनी है थ्री हंड्रेड रुपीज़ लेकिन एक एक्चुअल में उसकी जो कीमत थी वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ नहीं थी सिर्फ उसने क्या कहा कि महाराजा यहाँ पे आए हैं लेने के लिए अगर इनको बिल्कुल कम बता दी तो फिर तो ये मतलब मुझे पनिशमेंट ही वो दे देंगे कि वा... इमरजेंसी के रूल के हिसाब से जो मतलब होती है पनिशमेंट तो कहते हैं वो मुझे पनिशमेंट देंगे तो इसलिए उस उसने उसकी जो कीमत थी उस टाइगर की वो कितनी बता दी थ्री हंड्रेड रुपीज़ कहता है वेरी गुड लेट दिस वी यू आर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम ऑन दैट डे द फादर एंड द सन प्लेड विद दैट टिन लिटल वुडन टाइगर्स तो कहते हैं उसके बाद महाराजा जो थे वो अपने बेटे को उन्होंने ऑफर किया ये जो आ, बड़े अब जो टाइगर था वो उन्होंने ऑफर किया देन उसके बाद जो बेटा है और फादर जो है सॉरी दोनों क्या कर रहे थे इस टाइगर के साथ खेल रहे थे इस बूढ़े टाइगर के साथ खेल रहे थे कहते हैं इट हैड बीन काव्ड बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर तो कहते हैं ये जो टाइगर है ये किसने इसको बनाया हुआ था एक अनस्किल्ड जो टाइगर वो होता है कारपेंटर जो है उसने इसको बनाया हुआ था इस टाइगर को कहता है इट्स सरफेस वाज रफ इसके जो सरफेस थी वो बिल्कुल रफ़ थी टीनी शिल्वर थे स्लिवर्स थे स्लीवर्स मतलब वो जो होते हैं ना कि लकड़ी के ऊपर थोड़े ऐसे अच्छी तरह से उसको मोल्ड नहीं किया होता लकड़ी को ऐसे भी बना दिया होता है तो एक एक शिलतर सी जो होते हैं वो मतलब उसमें थी तो कहता है इसमें थोड़े से क्वेल्स थे कांटे भी थे इसके ऊपर ऐसे लग रहे थे कि अच्छी तरह से उसको नहीं बनाया हुआ था तो कहते हैं वन ऑफ दोज स्लीवर्स पायर्स द महाराजाज राइट हैंड एंड राइट हैंड ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द पेंस तो कहते हैं कि उनमें से वो जो स्लीवर्स थी मतलब एक जो छिलतर जो होती है जो हाथ में लग जाती है लकड़ी की थोड़ी सी मतलब जो होती है तो से कहते हैं वो महाराजा के हाथ में लगी लेकिन लेफ्ट हैंड में लग गई सॉरी राइट हैंड में तो कहता है महाराजा ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं की दिया उन्होंने लेफ्ट हैंड से उसको निकाला बाहर और अपने बेटे के साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कहता था नेक्स्ट डे इन्फेक्शन महाराजाज राइट हैंड इन फोर डेज इट डेवलप इन द सुपरेटिंग सोर्स विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म तो कहता है कि उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे महाराजा की इन्फेक्शन जो थी बढ़ गई वो जो हाथ में लगी थी उस टाइगर की जो एक नोक सी लगी थी महाराजा के हाथ में उस दिन उस महाराजा ने कुछ नहीं किया उनके राइट हैंड में लगी थी तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से निकाल के उसको बाहर कर दिया कहते दूसरे दिन क्या हो गया कि इन्फेक्शन जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बढ़ते बढ़ते जब फोर्थ डे आया तो वो बहुत ज़्यादा उसमें पस जो होती है ना वो पड़ गई उसके बीच में तो महाराजा की जो आम थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई ऐसे मतलब जैसे होते ना कि पस पड़ जाती है पूरी आम में कहते इस तरह से उनकी आम हो गई कहते थ्री फेमस सर्वन सर्वस सर्जन्स ब्रॉट इन फ्राम मद्रास आफ्टर होल्डिंग to operate. द ऑपरेशन took place. कहता उसके बाद मद्रास से तीन सर्जन जो थे फेमस उनको बुलाया गया जो सर्जन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे महाराजा का ऑपरेशन करेंगे तो कहते उसके बाद उन्होंने महाराजा का ऑपरेशन कर दिया कहता द थ्री सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर्स एंड अनाउंस कहता उसके बाद जब सर्जन ने महाराजा का ऑपरेशन किया तो वो थिएटर से बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए फिर उन्होंने अनाउंस किया द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल द महाराजा इज डेड कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया और जो महाराजा हैं वो क्या हो गए हैं डेड हो गए हैं तो कहते हैं इन दिस मैनर द हंडर्ड टाइगर्स टुक इट्स फाइनल रिवेंच अपान द टाइगर किंग तो कहते हैं इस तरह से जो हंडर्ड टाइगर था उसने अपना बदला जो था वो उस टाइगर से ले लिया उसने कहा था ना कि हंड्रड जो टाइगर होगा उसकी वजह से ही तुम्हारी क्या होगी मौत होगी तो जो हंड्रेड टाइगर है उसको तो महाराजा मार नहीं सके उसी का बदला जो है ये जो वुडन टाइगर है इसने ले लिया तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो गया तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे टेक्चुअल क्वेश्चन भी आपको करने होंगे सारे कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं जैसे थीम हो गया ठीक है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे तो बेटा ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट है सो थैंक यू बेटा थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव नाइस डे